हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क डिस्कस करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वी इज इक्वल टू आई आर पे दो तरह की वीडियोस कवर करने का इरादा है मेरा। एक तो जो फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का सिलेबस है ना, वो पैरेलली चलती रहेगी, और चूंकि बहुत सारे बच्चों का थोड़ा बेसिक कमज़ोर होता है तो उनके लिए बेसिक की वीडियोस चलेगी। तो बेसिक की एक वीडियो मैंने लास्ट सेशन के लिए अपलोड की है। लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक में आर इक्वलेंट यानी इक्वलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, सीरीज कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताया है। तो वो एक कंप्लीट सीरीज होगी, धीरे धीरे वीडियो उस लाइन की भी आती रहेगी, और एक सीरीज चलेगा जिसमें हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में, फिल्टर्स के बारे में, ट्रांजिएंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग रेगुलर वीडियोस जो है देखते रहिए, और छोटा छोटा असाइनमेंट का क्वेश्चन हो सकता है उसमें, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नेटवर्क थ्योरी का। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि गेट एग्ज़ाम तक में जो है इसका क्वेश्चन रहता है। और भी कोई गवर्नमेंट सेक्शन का, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम कोई दे रहे हो आप, अगर उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो हो सकता है कि उसमें टू पोर्ट नेटवर्क ज़रूर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करना सीख सकते हैं, ट्रांजिस्टर का एक इक्वलेंट सर्किट बना सकते हैं, उसको जो है एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो गोया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो हम लोग आते हैं टू पोर्ट टर्म पे। पोर्ट का मतलब जो होता है वो होता है, पोर्ट का मतलब होता है पेयर ऑफ टर्मिनल। यानी इलेक्ट्रिकल में हम लोग बास मरतबा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि पूरा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ना बनाने के बजाय हम लोग जो है एक उसको सिंपल बॉक्स से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक बॉक्स बना के, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वहां से एक पेयर टर्मिनल जो है बाहर निकाल देते हैं। तो अगर एक पेयर टर्मिनल बाहर निकाला गया तो उसको बोला जाएगा वन पोर्ट। अगर मान लेते हैं उस बॉक्स को हम लोग, उस सर्किट को हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां से दो पेयर ऑफ टर्मिनल जो है बाहर निकल रहा है, जिसको एक जिसमें एक इनपुट है और दूसरा आउटपुट है, तो इस तरह का अगर रिप्रेजेंटेशन है तो उसको हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क कहेंगे। अगर दो से ज्यादा मान लेते हैं एन पोर्ट बाहर निकाला जा रहा है तो उसको एन पोर्ट नेटवर्क कह सकते हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क में अगर आप गौर से देख रहे हैं तो ये इसका स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये कन्वेंशनल डायग्राम है कि प्लस माइनस इस तरह से है। आई वन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आई टू का डायरेक्शन टुवर्ड्स द रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो ये इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन है ना, इसको इनपुट पोर्ट कह रहे हैं, इसको आउटपुट पोर्ट कह रहे हैं। ये इनपुट वोल्टेज वी वन है, ये आउटपुट वोल्टेज वी टू है, ये इनपुट करंट आई वन है, ये आउटपुट करंट आई टू है, ठीक है। तो टोटल चार क्वांटिटीज है आपके पास, टोटल चार क्वांटिटीज है, वी वन है, वी टू है, आई वन है, आई टू है। तो इन चार क्वांटिटीज से हमको टोटल छह पैरामीटर निकलता है। छह पैरामीटर मतलब दो क्वांटिटी को आपको डिपेंडेंट मानना है और दो क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट मानना है। दो क्वांटिटीज को रिमेनिंग टू क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह से आपको टोटल छह पैरामीटर निकलता है, हालांकि डिप्लोमा में सिर्फ चार पढ़ना है, जेड, वाई, ए बी सी डी एंड एच पैरामीटर। रिमेनिंग दो पैरामीटर जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उसका नाम होता है जी पैरामीटर एंड इनवर्स ए बी सी डी पैरामीटर। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जेड पैरामीटर के बारे में। जेड टर्म जो है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्पेडेंस, इम्पेडेंस के लिए जाना जाता है। इम्पेडेंस का मतलब होता है टोटल एसी रेसिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ओम, और इसका फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। तो इस पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज को एक्सप्रेस करना होता है इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट के फॉर्म में। यानी इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट करंट्स, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो ये जो एलएचएस वाली क्वांटिटी होती है वो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि इसका वैल्यू आई वन और आई टू पर डिपेंड कर रहा है, और आई वन और आई टू जो है वो इनडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। और ये जेड वन वन, जेड वन टू, जेड टू वन, जेड टू टू, ये इंडिविजुअल जेड पैरामीटर्स हैं। अगर मैट्रिक्स में इस इक्वेशन को लिखा जाए तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इम्पेडेंस वाले का, इसको हम लोग इम्पेडेंस मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम
कैलकुलेट करना चाहें Z11 को या Z12 को, Z21 को, Z22 को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले I2 की वैल्यू जीरो करना पड़ेगा। I2 की वैल्यू जीरो करने के लिए क्या किया जाता है कि आप ओपन कर देते हैं, पोर्ट 2 को आपने ओपन कर दिया, तो आपको दो क्वांटिटी Z11 और Z21 निकल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, पोर्ट 1 को ओपन कर देंगे, पोर्ट 1 को जब ओपन करेंगे तो Z12 और Z22 निकल जाएगा। तो इस तरह से चूंकि आपको इंडिविजुअल जेड पैरामीटर निकालने के लिए पोर्ट 1 को और पोर्ट 2 को बारी बारी से ओपन करना पड़ रहा है, इसलिए इस पैरामीटर का कंप्लीट नाम होता है ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। गेटिंग माय पॉइंट? नौ, जो बातें अभी बोली गई वही बातें करनी है कि भाई पहले पोर्ट 2 को हम लोग ओपन कर रहे हैं, 2-2 को, I2 को जीरो बनाने के लिए, तो उससे हमको Z11 और Z21 निकल रहा है। फिर हम पोर्ट 1-1 को ओपन कर रहे हैं तो हमको दो क्वांटिटी, ये दो क्वांटिटी Z12 और Z12 और Z22 निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो सफिक्स आ रहा है ना Z11, Z21, Z12, Z22, देखिए Z का तो हर जगह फॉर्मूला एक ही रहेगा, वोल्टेज बाई करंट, लेकिन अगर यहां 1-1 है तो पहला सफिक्स वोल्टेज के लिए चला जाएगा, दूसरा सफिक्स करंट के लिए चला जाएगा, इसलिए Z11 का फॉर्मूला हो जाएगा V1/I1। उसी तरह से Z21 का फॉर्मूला हो जाएगा V2/I1, ठीक है। 2 जो है वोल्टेज के लिए हो गया, 1 जो है करंट के लिए हो गया, इसी तरह से यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब इन तमाम का यूनिट ओम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी चूंकि दोनों ही एक पोर्ट, इनपुट पोर्ट से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम रखा गया इनपुट इम्पीडेंस। ये क्वांटिटी दो अलग अलग पोर्ट से रिलेटेड है, वोल्टेज जो है सेकंड पोर्ट का है और करंट फर्स्ट पोर्ट का है। तो कभी भी इस तरह का हो कि एक क्वांटिटी किसी और पोर्ट की है, दूसरी क्वांटिटी किसी और पोर्ट की है, तो वहां पर एक टर्म आ जाता है ट्रांसफर, ठीक है। और आउटपुट बाय इनपुट अगर रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। यहां देखिए, यहां पे भी वही हो रहा है, ये पोर्ट 1 का वोल्टेज है और ये पोर्ट 2 का पोर्ट 2 की करंट है, ठीक है ना। लेकिन तो यहां पे क्या वर्ड आएगा, ट्रांसफर आएगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इनपुट बाय आउटपुट हो रहा है, इनपुट बाय आउटपुट होगा तो रिवर्स हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। और यहां पर चूंकि आउटपुट बाय इनपुट था अलग अलग पोर्ट का, इसलिए हो जाएगा फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। अब यह है दोनों ही पोर्ट 2 की क्वांटिटी है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। नाउ अब हम लोग जो मेरा डिफाइनिंग इक्वेशन है जेड पैरामीटर का, उसको हम एक सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, यानी इन इक्वेशन के मदद से हम लोग एक सर्किट, इक्वेलेंट सर्किट जेड पैरामीटर का ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, LHS में वोल्टेज है, इसका मतलब है कि जो RHS का दोनों टर्म है दोनों ही वोल्टेज होगा। यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में भी वोल्टेज है तो RHS में भी दोनों टर्म में वोल्टेज ही होगा, क्योंकि इक्वेशन और डायमेंशन LHS और RHS ऑफ एन इक्वेशन का सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ रहा है कि भाई करंट इनटू इम्पीडेंस वोल्टेज ड्रॉप ही होता है, तो यहां पर हम एक वोल्टेज, ये वोल्टेज टोटल वोल्टेज हो गया और यहां पर एक ड्रॉप हो गया, ठीक है। ये वाला जो वोल्टेज है इसको थोड़ा समझना है, ये पोर्ट 1 में है हम लोग, V1 पोर्ट 1 का वोल्टेज है, लेकिन I2 सेकंड पोर्ट की करंट है, ठीक है ना, सेकंड पोर्ट की करंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है तो वोल्टेज सोर्स, क्योंकि आपको यूनिट सेम करना है तो ये वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, इसलिए यहां पे हम लोग एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स लिख लें। इसका मतलब क्या हो गया, ये टोटल वोल्टेज जो है ये ड्रॉप और ये एक डिपेंडेंट सोर्स के बराबर है, ये वाला एक डिपेंडेंट सोर्स को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली यहां पे भी देख सकते हैं आप, यहां पे पोर्ट 2 की बात हो रही है, पोर्ट 2 की, लेकिन यहां पे करंट I1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, और ये दोनों के साथ कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ये दोनों ही क्वांटिटी पोर्ट 2 से रिलेटेड है, तो यहां पर हम लोग इसको एक ड्रॉप की तरह दिखला दिए। तो V2 इज इक्वल टू भी हो जाएगा I2 इंटू Z22 प्लस दिस डिपेंडेंट सोर्स। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जेड पैरामीटर से रिलेटेड। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, यहां पर कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है ब्रांच का, एक मतलब एक समझ लो एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, यहां पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है रियल टाइम में आपके साथ। इस तरह के नेटवर्क को हम लोग टी नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि देखो इसका शेप जो है ना टी की तरह है, ठीक है। ये और ये जो है सीरीज इम्पीडेंसेज हैं और ये जो है शंट इम्पीडेंस है। तो कभी भी इस तरह का अगर नेटवर्क रहेगा तो उसको आप टी नेटवर्क समझोगे, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए दो तरीका है, एक तो ये है कि भाई आप पोर्ट टू को ओपन करके उसके बाद कैलकुलेट कीजिए Z11 और Z12, और एक है कि फिर पोर्ट 1 को ओपन करके Z12
और Z22 कैलकुलेट कीजिए, मतलब बाय ओपनिंग द पोर्ट। तो अभी हम वो वाला मेथड डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि हम केवीएल लगाएंगे लूप वन में, केवीएल लगाएंगे लूप टू में, और उसके बाद इक्वेशन को एडजस्ट करेंगे, और इक्वेशन को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि डिफाइनिंग इक्वेशन से हम कंपेयर कर सकें। तो लूप वन में लगाते हैं, लूप वन में देखिए अगर आप लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका v1 इज इक्वल टू हो जाएगा ZA I1 प्लस ZC I1 प्लस I2, ठीक है। अब इसको अगर हम एडजस्ट करें तो I1 को एक जगह ले लिए तो ZA प्लस ZC हो गया, और ZC I2 को एक जगह ले लिए तो इतना आ गया। लेकिन मेरा डिफाइनिंग इक्वेशन पोर्ट 1 के लिए क्या था, पोर्ट 1 के लिए था ये वाला। तो अगर आप कंपेयर करें तो Z11 का वैल्यू हो जा रहा है ZA प्लस ZC, और Z12 का वैल्यू हो जा रहा है ZC, यानी Z11 का वैल्यू ये ब्रांच और ये ब्रांच के इम्पिडेंस को ऐड करके मिलेगा, और Z12 का वैल्यू मिडिल वाला ब्रांच के बराबर होगा। फिर इसी तरह से सेम केस में इक्वेशन लूप 2 के लिए भी KVL लगाएंगे तो वही हो जाएगा कि V2 इज इक्वल टू दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप। इस तरह से लिख लिए इक्वेशन, फिर एडजस्ट किए, इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि आप डिफाइनिंग इक्वेशन से कंपेयर कर सकिए। तो यहां पर हम I1 लाने के लिए ये वाला टर्म को पहले लिख लेंगे, I1 वाला टर्म पहले रहता है तो पहले लिख लिए, और I2 के साथ जो जो क्वांटिटी थी उसको इस तरह से एडजस्ट कर दी। अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो Z21 का वैल्यू ZC आ रहा है, देख रहे हैं आप Z21 का वैल्यू ZC आ रहा है, और Z22 का वैल्यू दिस ब्रांच ZB ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच के बराबर हो रहा है। तो समरी ये हुआ कि कभी भी अगर आपको इम्पीडेंस पैरामीटर निकालना है, जेड पैरामीटर निकालना है, और आपको क्वेश्चन में टी नेटवर्क दिया हुआ है, तो Z11 निकालने के लिए आपको ZA प्लस ZC करना पड़ेगा, मतलब ये ब्रांच प्लस ये ब्रांच, ठीक है। और Z12 और Z21 दोनों बराबर होगा इसके, और Z22 का वैल्यू हो जाएगा दिस प्लस दिस ZB प्लस ZC। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 ओम का रेसिस्टेंस था, यहाँ पे 2 ओम का रेसिस्टेंस था, और यहाँ पर 8 ओम का रेसिस्टेंस था, तो Z11 का वैल्यू हो जाएगा 7 ओम, Z12 और Z21 दोनों ही बराबर होगा 2 ओम के, और Z22 का वैल्यू हो जाएगा 10 ओम। तो कभी भी टी नेटवर्क के लिए जेड पैरामीटर निकालना बहुत ईजी होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि एक सिंपल सा जेड पैरामीटर दे देगा और बोलेगा कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स, Z12 का वैल्यू कितना होगा, या Z22 का वैल्यू कितना होगा, या इम्पेडेंस मैट्रिक्स लिख दीजिए। तो इम्पेडेंस मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को इस तरह से आंसर में लिखना पड़ेगा आपको कि भाई Z11 जो है 7 आया, Z21 और 12 दोनों 22 आ गया, और Z22 का वैल्यू 10 ओम आ गया, तो ये इम्पेडेंस मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकता है आप लोगों को। तो आज के क्लास में हम लोग यही डिस्कस किए हैं, टू पोर्ट नेटवर्क को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश किए, टू पोर्ट नेटवर्क में क्या कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो समझें, फिर जो टोटल 6 पैरामीटर है वो किस तरह से 6 पैरामीटर बना है, क्या कंडीशन है कि हाँ भाई 4 वेरिएबल था, 2 को डिपेंडेंट मान रहे थे, 2 को इंडिपेंडेंट मान रहे थे, तो इस तरह से करते करते टोटल 6 पैरामीटर आता है, इसमें से 4 हम लोगों को पढ़ना है। जेड पैरामीटर को डिफाइन अगर करना है तो आपको V1 और V2 के को डिपेंडेंट मानना होगा, I1 I2 को इंडिपेंडेंट मानना होगा, और टी नेटवर्क में कभी भी जेड पैरामीटर को कैलकुलेट करना ईजी होता है। सो विद दीज वर्ड्स वी आर समराइजिंग टुडे, थैंक यू फॉर टुडे।